नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। एक कन्नड़ा इंडस्ट्री से और एक ट्रेलर रिलीज हो गया जो मूवी का नाम है बनारस। काफ़ी ट्रेलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीन्स दिखाया गया बनारस के बारे में, इस तरीके से बताया गया ताकि टाइम ट्रैवल है और लव स्टोरी मूवी है। काफ़ी यूनिक स्टोरी दिखती। अब टाइम ट्रैवल मूवी दो तीन हमारे पास आए थे, साउथ की तरफ से आए, एक तो तमिल के मूवी से आई, एक और एक हीरो करे थे, शायद शंभू हीरो थे उसके अंदर, और एक शर्वानंद हीरो थे तेलुगु इंडस्ट्री से, और एक मूवी आया था टाइम ट्रैवल के ऊपर डिपेंड था, ये तो परसों आई थी। उसके बाद ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे टाइम ट्रैवल के ऊपर डिपेंड किए उनके, और ये मूवी बनारस के ऊपर 90% शूट हुआ इस तरीके से बताया जा रहा। ये मूवी के अंदर 5 सॉन्ग्स है इस तरीके से बताया जा रहा, और मूवी अगले साल रिलीज होने वाला है। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट देख रहा, लव स्टोरी है मूवी के अंदर, रियल में तो नहीं है लव स्टोरी, बट एक स्टोरी बोल सकते हैं हम, अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक धूम फोर का भी इस तरीके से ट्रेलर फोटो दिखाया गया इस तरीके से अंदर उसके अंदर, और उसके अंदर एक किंग कॉन्ग का इमेज में बताया गया, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। अब टाइम ट्रैवल रहेगा नहीं रहेगा, क्या बनारस के बारे में सही तरीके से क्या दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा, या आने वाला वक्त बताएंगे दोस्तों। बट ट्रेलर तो एकदम क्लियर कट है, अच्छी तरीके से दिखाया गया। हाँ, बोल सकते हैं लव स्टोरी के ऊपर डिपेंड है कहानी पूरी। तो ये था दोस्तों, और कुछ होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।